लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी वैशाली के हाजीपुर में हूं और यहां पर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के कैंपस के में हूं। वार्ड को लेकर के जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर है राज अग्रेला पंचायत का, ग्राम पंचायत राज अग्रेल का है, जहाँ पर मुखिया के द्वारा जो वार्ड के ऊपर जो प्रताड़ित किया जा रहा है। ये खबर मैं एक डेढ़ साल पहले भी चलाया था, जो मुखिया इन लोगों को पदभार भी नहीं दे रहा है और जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं से वंचित किया जा रहा है। सभी वार्ड हैं, ये महिला वार्ड है, हमसे बात करेंगे। आज आप लोग वैशाली जिला में DM साहब से मिलने के लिए आए थे, क्या एप्लीकेशन दिए हैं? नहीं मिले दिए। अरे मिलने तो टाइम उनका ओवर हो गया था ना, एप्लीकेशन क्या देने के लिए आए थे आप? एप्लीकेशन कार्यभार अभी तक नहीं मिला है हम लोगों को। अभी तक आप लोग कार्यभार नहीं मिला है? नहीं, मुखिया नहीं दे रहा है। नहीं, क्या कह रहे हैं मुखिया? बोल रहे हैं कि से हमारे पास टाइम नहीं है और नहीं पदभार देने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। नहीं, और कुछ कुछ बोल के टार देते हैं, हम लोग को भगा देते हैं। भगा देते हैं, हाँ। चलिए, आप किस वार्ड से हैं? 11 नंबर से। आपको भी पदभार नहीं दिया है? नहीं। क्या बोलते हैं? प्रभार मांगने जाते हैं तो सचिव सर बोलते हैं कि से बल 20,000 रुपया देंगे तो पूरा ओके प्रभार दिलवाएंगे तुमको। 20,000 रुपया कौन देगा? हमको से मांग रहे हैं। आपसे क्यों मांग रहे हैं 20,000? अब सचिव सर पंचायत सचिव सर मांग रहे हैं। ये देखिए, मुखिया के द्वारा पैसा मांगने की डिमांड हो रही है और अब दूसरा कार्यकाल होगा मुखिया का, वो चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक ये पदभार नहीं मिला है। ये लोग DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, DM साहब को एप्लीकेशन दिया हुआ है और एप्लीकेशन वहाँ पर मैं भी गया था और DM साहब से हमारी भी मुलाकात होगी और उनसे ये इस बात के लिए रूबरू कराएंगे कि आखिर जो वार्ड जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें जो अधिकार होता है, इन लोगों को अधिकार अभी तक मुखिया के द्वारा क्यों नहीं दिया गया। अब एक और वार्ड से मेंबर से मिले, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू कुमारी, हम 1 नंबर वार्ड से हुए। हमको प्रभार के लिए बुलाए थे, साइन भी करा लिया, उसके बाद हमको प्रभार मिला नहीं। आपको प्रभार ही नहीं दे रहा है? नहीं दे नहीं रहे, जैसे कि हमसे साइन आर भी करवा लिया, हाँ। और उसके बाद नहीं मिला, बोला कि मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं मिला हमको। अच्छा, ये DM साहब के यहाँ पाए हैं आज, तो इससे पहले भी कभी आए थे? नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। तो हो सकता है, लेकिन हम लोग को काम नहीं मिल रहा है, 2 साल हम लोग को हो गया, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। हम लोग गाली थोड़ी सुनेंगे अथी से, जनता से तो हम लोग गाली सुन रहे हैं कि वार्ड मेंबर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वार्ड मेंबर के पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? अभी आए DM के पास तो उनके क्या कहता है पुलिस, तो टाइम भी नहीं है उनके पास। अब पुलिस भी हम लोग से बदतमीजी से बात करता है, निकलिए, अभी टाइम खत्म हो गया। इस तरीका से नहीं, हम भी वहां पर थे, आप लोग को जो एप्लीकेशन ले लिया गया है, लेकिन इस तरीका से बात नहीं ना करना चाहिए, निकलिए, टाइम खत्म हो गया। हाँ मैडम, टाइम खत्म हो गया, आप लोग जाइए, अभी नहीं मिल सकते, ऐसे बोला जाता है कि निकलिए आप लोग। अच्छा चलिए, आप किस वार्ड से? 5 नंबर से। इधर आगे किस वार्ड से हैं? 5 नंबर से। 5 नंबर से, 2 साल कोई पदभार नहीं मिला? नहीं मिला, 2 साल हो गया, हमको जनता गाली देता है। जनता गाली देता है? गाली देता है। तुमको जिताए कहे थे? गाली देता है, हम कहे कि से हमको पास कुछ नहीं दे रहा है मुखिया जी, तो हम क्या करें? क्या करें, बहुत बात सुनते हैं जनता से। चलिए, हम और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुनिंद्र नाथ झा। किस वार्ड से हैं आप? 7 नंबर से। 7 नंबर से हैं। आपको क्या कह रहे हैं? हम दूसरे टर्म में वार्ड सदस्य हैं। पहला टर्म में, सेकंड टर्म में आप जीते हैं, आप थर्ड टर्म में तब नहीं जीत पाइएगा? हाँ, थर्ड टर्म में जीतेगा, इस तरह थर्ड टर्म आएगा जिस दिन ना उस दिन ना फिर भी जीतेंगे, फिर भी जीतेंगे। हाँ, लेकिन मुखिया क्या कह रहे हैं? मुखिया जी मनमानी करते हैं, जैसे नली गली में पैसा काम करवा के रोक लिए, 8,96,000 रुपया हमारा फंसा हुआ है आपका। हाँ, अच्छा, वो पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है? नली गली काम करवा चुके हैं। हाँ, अब नहीं दे रहे हैं पैसा, 30% कमीशन मांगते हैं वो। 30% कमीशन मांगते हैं? हाँ, खुले हैं, उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, रिकॉर्ड की हम BDO साहब सबको, जिला पदाधिकारी से लेकर सभी को लिखित शिकायत किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप भी हैं क्या? किस वार्ड से हैं आप? 8 नंबर वार्ड से। आप 8 में, क्या नाम हुआ आपको? दिलीप माझी। दिलीप, क्या बोल रहे हैं आपको? हमको बोल क्या रहे हैं, माने कि देखिए कि हम लोग को 2 साल हो गया, अभी तक हम लोग कोई काम नहीं पंचायत वार्ड में किए। वार्ड का जनता हम लोग को बहुत चाहत से और जिताया था कि उसको कुछ काम करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं उनके लिए कर पाए, तो इससे
और क्या हो सकता है, मान लीजिए आप लोग दबाव नहीं देते हैं। मुखिया जी जो है सो कोई काम करना नहीं चाहते हैं। मुखिया जी तो अभी तक एक भी कार्यकारिणी भी नहीं की, एक भी बैठक नहीं की। विनोद शाह, हाँ एक भी बैठक नहीं बुलाए हैं कार्यकारिणी का, एक भी बैठक अभी दो साल हो गया हम लोगों को, दो साल पार कर गया, एक भी बैठक नहीं बुलाए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर उनको जो मन में आता है वही काम करते हैं, वही करते हैं। आप दोनों आदमी इधर आइए, आप दोनों आदमी इधर आइए, वही काम करते इधर आइए। आप किस वार्ड से यहाँ आइए? तीन नंबर से है। तीन नंबर से क्या मुखिया बोलते हैं आप? मुखिया काम नहीं दे रहा है, कह रहा है कि आपको जो मर्जी आप कीजिए, मेरा मर्जी है जो हम करेंगे ना। मुखिया आपको आपको जिताया गया तो मुखिया क्यों नहीं काम दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है कि हम लोग सही आदमी है, चोर नहीं है, इसीलिए मुखिया नहीं काम दे रहा है। हम चोर रहते तो हमको काम मिलता, कार्यभार मिलता, से बात हो रहा है यहाँ। आप इधर यहाँ ही नहीं, किस वार्ड से हैं आप? छह नंबर वार्ड से है। किस वार्ड से हैं? छह नंबर वार्ड से। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। आपको मुखिया यही बात बोलता है जी? बोलते हैं आप जनता को काम ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें, हम लोग को इस्तीफा देने आए हैं। इस्तीफा देने के लिए? हाँ। आप भी इस्तीफा देने के लिए? हाँ, हम भी राजी। साहब से मुलाकात हुई? नहीं हुई, वहाँ रोक लगा हुआ है। नहीं, टाइम टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। देखिए ये लोग जो है ना, तकरीबन कितने वार्ड रहे हैं आप लोग? आठ वार्ड हैं और ये हैं, ये इनका है पंचायत है राज अग्रैल पंचायत है, पातेपुर प्रखंड के हैं। और इससे पहले हम कई बार का खबर चला चुके हैं, खबर का कोई असर नहीं हो रहा है मुखिया के ऊपर। लास्ट में डीएम साहब से लोगों की मुलाकात करने की बात है और सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए। ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर देखिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट कितने खर्च करते हैं, लेकिन जो पंचायती स्तर जो वार्ड होते हैं वो निचले पायदान से सबसे निचले पायदान पर सबसे वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता उनसे हमेशा सवाल पूछती रहती है, लेकिन सवाल का जवाब ये कैसे देंगे जब इनके पास अधिकार ही नहीं मिलता है मुखिया के द्वारा। डीएम साहब से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, इनके अधिकार के लिए डीएम साहब क्या कर रहे हैं, मुखिया के ऊपर दबाव दे रहे हैं या मुखिया के ऊपर दबाव दे करके इनकी इनको पावर दिलाने के, इनका अधिकार दिलाने की कोशिश कितना किया जा रहा है। दो साल समय बीत चुका है, अब मात्र तीन साल बचा हुआ है दोबारा चुनाव के लिए, लेकिन ये मुखिया का मनमानी बिहार में आपको ऐसा देखने को मिला। ये ऐसा नहीं कि इसी पंचायत की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में कई सारे ऐसे पंचायत हैं जो हम ऐसा खबर हमको करने को मिलता है कि मुखिया के द्वारा या तो अधिकार नहीं दिया जाता है, पावर नहीं दिया जाता है और मुखिया के द्वारा मनमानी किया जाता है वार्ड सदस्यों के द्वारा। तो मैं अभी आपको दिखाया वैशाली जिला के हाजीपुर समरणालय से डीएम ऑफिस से दिखा रहा हूँ और डीएम साहब से एक रिपोर्टिंग आपको और रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि आखिर इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रहा है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट अशोक धर्मा के साथ हाजीपुर। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।